फ्रेंड्स, मैं अंदर महेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले एनटीपीसी 2019 में वैकेंसी आई हुई है 1,30,000 पदों पर। फ्रेंड्स देखिए, ऑलरेडी मैंने आपको इसका पूरी इन्फॉर्मेशन बता दी थी, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया था। एक नोटिफिकेशन जरूर आया था जो पीडीएफ फॉर्म में था, लेकिन आरआरबी की वेबसाइट पर वो नहीं था। तो फ्रेंड देखिए, मैं बता दूं आपको, आरआरबी की वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। 1,30,000 वैकेंसीज हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको इस साइड भी दिख रहा है। तो देखिए, इस साइड जो दिख रहा है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है। तो इस इन्फॉर्मेशन को भी मैंने आपको पूरा जो है बताया था पहले, लेकिन अभी भी पूरी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो कुछ चीज़ें रह गई थी, मतलब जो पहले ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया था उससे इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, अलग अलग। तो उन चीज़ों को देखने वाले इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, ट्वेल्थ के लिए और ग्रेजुएशन के लिए किसके लिए कितनी कितनी कैसे कैसे पोस्टें हैं लेवल वन, और जो अलग पोस्टें हैं उनके लिए कैसी पोस्टें हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर आता है, उन सभी की वीडियोज़ आपको अनअकैडमी मिल जाएगी। अनअकैडमी की जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे कि जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, उन सभी की आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम ग्रुप से, और टेलीग्राम ग्रुप आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं ऑनलाइन और देखेंगे, नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं पहले, उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ सारी चीज़ें। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आ गए आरआरबी चंडीगढ़ की वेबसाइट पर। यहाँ पर देखिए एक नोटिफिकेशन है 22/2 का, तो यहाँ पर लिखा है इंटेंटिव नोटिस फॉर एम्प्लॉयमेंट नोटिस फॉर वेरियस पोस्ट इन रेलवे। तो ये वेरियस पोस्ट जो है एनटीपीसी की भी हैं और लेवल वन जो है उसकी भी हैं। तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं, दिखा देता हूँ क्या है। उससे पहले देखिए, ये 1,30,000 पोस्ट हैं, उनमें अलग अलग पोस्ट हैं, मतलब कहने का मतलब जो है लेवल वन की पोस्टें भी हैं और पैरामेडिकल की पोस्ट और अलग अलग जो है पोस्ट इसमें दी हुई हैं। तो ये सारी पोस्ट जो है उनका नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करा था, तो वो देख लेते हैं, ठीक है। या फिर ये नोटिफिकेशन है वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों नोटिफिकेशन हम जो है डाउनलोड कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर एक नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया है, ये देखिए, ठीक है, लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग पोस्ट हैं, अलग अलग यहाँ पर दिया हुआ, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही बोला था कि CEN 01/2019, 02/2019, 03/2019, तो ये तीन तरह की अलग अलग जो है रिक्रूटमेंट आएंगी, ठीक है। तो ये तीन तरह की अलग अलग रिक्रूटमेंट आएंगी और ये पूरा यहाँ पर चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, किसके लिए कितना और कैसा वो है इंटेंटिव डेट जो है, सारी इंटेंटिव डेट यहाँ पर लिखी हुई है, जो कि मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपका जो सबसे पहली बात कि किसका किसके लिए कितनी वैकेंसीज हैं। तो पहली बात देखिए, नॉन टेक्निकल जो कैटेगरी है एनटीपीसी की वो 30,000 है, ठीक है, ओके। उसमें ही 30,000 वैकेंसीज में से ही पैरामेडिकल स्टाफ भी है और मटेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी जो होती है उसके लिए भी उसमें से ही 30,000 वैकेंसीज है। अब लेवल वन जो है उसमें 1,00,000 वैकेंसीज है, मतलब लेवल वन क्या है यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होगा। जो ग्रुप डी में आते हैं, जो लोग ग्रुप डी या ग्रुप सी के जो होते हैं उनमें 1,00,000 वैकेंसीज निकली है। लगभग आपको बता दूं, जो यहाँ पर ग्रुप लेवल वन लिखा है वो भर्ती होगी ट्वेल्थ पर, ठीक है, ट्वेल्थ की भर्ती होगी यहाँ पर, ठीक है। जो ट्वेल्थ के स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर भर्ती होंगे और ये यहाँ पर दिए हुए हैं वो ग्रेजुएशन भी होगा, ठीक है। कुछ पोस्टें होंगी जो ग्रेजुएशन के लिए रहेंगी 30,000 में भी, ठीक है, और ये यहाँ पर जो है लेवल वन उसमें ट्वेल्थ की वैकेंसी है। तो 1,00,000 वैकेंसीज ट्वेल्थ वालों के लिए है, कहने का मतलब मेरा ये है कि आप ट्वेल्थ वाले जो हैं जिन्होंने पीसीएम कर रखा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से भी हैं उनके लिए भी, और जिनका अलग अलग फील्ड से उनके लिए भी, और अगर उनसे रिलेटेड कोई ने अगर किसी ने अगर आईटीआई कर रखा है तो आईटीआई भी यहाँ पर एलिजिबल होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आईटीआई ट्वेल्थ का आईटीआई भी एलिजिबल रहेगा मे बी, अगर यहाँ पर नोटिफिकेशन एक और आया तो, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें लिखी वाली होने वाली, लेकिन ये इंटेंटिव है ये बता दूँ मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, और देखिए हाँ, यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, तो देखिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जो एग्ज़ाम फीस रहेगी वो अनरिजर्व के लिए 500 रहेगी, और 500 में से 400 वापस आएंगे कब, जब आप एग्ज़ाम दे देंगे, ठीक है। और जो जो SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल ट्रांसजेंडर माइनॉरिटी इकोनॉमिकल बैकवर्ड यानी कि OBC वाले हैं उनको 250 रुपये लगेंगे और 250 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे, लेकिन जब जब आप एग्ज़ाम
दे दें, ठीक है। एग्जाम देने के बाद और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आपको, मैंने एक पूरी स्लाइड बनाकर रखी है, उसमें देखते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला था कि आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा इसका, वो लगभग 23 फरवरी तक आएगा, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स, ये 22 को ही आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, अभी तो देखिए ये जो नोटिफिकेशन है वो इतना, मैं बताऊंगा, इतना अभी उसमें पूरा इंटेंडिव है सारा का सारा, ठीक है, अभी पूरा ऑफिशियल नहीं है। हम बात कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें इंटरमीडिएट बेट की, नॉट टेक्निकल एंड पॉपुलर जो कैटेगरीज हैं एनटीपीसी की, उसका जो है आवेदन की जो तारीख है वो होगी 28 फरवरी, ठीक है। पैरामेडिकल की बात करें तो पैरामेडिकल की होगी 4 मार्च, क्या होगी 4 मार्च, ठीक है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की होगी। मटेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज की जो रहेगी वो भी रहेगी 8 मार्च, क्या रहेगी 8 मार्च रहने वाली है, ठीक है, जो डेट्स हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। अब लेवल वन की देखें तो ये भी 12 मार्च हमारी होने वाली है, और लेवल वन देखिए यहाँ पर लेवल वन के लिए थोड़ा सा रश होगा, क्योंकि इसमें टाइम तो बहुत मिलेगा, कहने का मतलब है टाइम दिया है इतने से स्टार्ट होगा लेकिन ख़त्म होने का नहीं बताया, क्योंकि ये टाइम बहुत देगा, ठीक है। नॉन टेक्निकल देखिए टोटल वैकेंसीज हैं, देखिए यहाँ पर 1,30,000 नॉन टेक्निकल और पैरामेडिकल, माइनर जो मिनिस्ट्रियल एंड जो मटेरियल, सॉरी मिनिस्ट्रियल है या मटेरियल नहीं है, मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी जो है वो, और लेवल वन को मिलाकर कितनी वैकेंसीज है, 1,30,000। पे स्केल की बात करें तो वो देखिए सबकी अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग वैकेंसीज आई हुई हैं। ओके, और आयु की बात करें तो आयु को देखिए बता दूंगा आपको, वो पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसके बाद भी एक नोटिफिकेशन आएगा जो पूरा का पूरा, मतलब पूरा जो 15-20 पेजों का होता है उसमें सारी चीज़ें लिखी होंगी, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्वालिफिकेशन वगैरह का, देखिए बता दूँ यहाँ पर, तो देखिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मैंने बता दी है अलग अलग के लिए। यहाँ पर जो है मैंने आपको ये भी बता दिया है कि किसके लिए कितनी फीस लगी, एग्ज़ाम फीस, ठीक है, और कितने पैसे किसके वापस आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ब्यौरा लिखा था तो वह मैंने बता दिया, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो किसके लिए क्या क्या एजुकेशन लगनी है, यहाँ पर एजुकेशन और प्लस पोस्ट लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर एजुकेशन लिखी हुई है, यहाँ पर आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए इन सभी का, क्योंकि ये एजुकेशन आपके काम में आने वाली है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि आपको जो है उसमें देखिए उसमें मिलेंगी, लेकिन उसमें आपको इतनी सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, किस डिग्री के लिए कितना, मतलब किस पोस्ट के लिए क्या डिग्री होना चाहिए, क्या पोस्ट होना चाहिए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई हैं। ओके, अब देखिए आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है, जो प्रीवियसली एक नोटिफिकेशन आया था, एक पीडीएफ आई थी, तो उसका मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, ये सारी चीज़ें दिख रही है। अब मैं आपको बता दूं, देखिए इसमें पैटर्न क्या होगा, होगा स्टेज वन होगी और स्टेज टू होगी, यानी कि फर्स्ट स्टेज होगी और सेकंड स्टेज होगी, ठीक है। अब उसमें कई पोस्ट जो हैं टाइपिंग की भी हैं, तो टाइपिंग टेस्ट जिसका है वो उसका टाइपिंग टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। तो ये सारी स्टेजें होंगी आपके एग्जाम में। उसके बाद में देखें तो देखिए स्टेज वन की बात करें तो स्टेज वन और स्टेज टू में देखिए दोनों में अलग अलग, थोड़ा सा अलग अलग डिफरेंस है, यानी कि सिलेबस में। तो सिलेबस की बात करें तो देखिए सेक्शन अर्थमेटिक्स में से 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, जनरल साइंस के 20-25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर में से, रीजनिंग के 25-25 क्वेश्चन और 25 नंबर, जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन और 30 नंबर, ठीक है। तो टोटल मिला के हमारे होंगे 100 नंबर और 100 क्वेश्चन, और हमें मिलेगा टाइम 90 मिनट का। और अब देखिए पार्ट टू की बात करें तो पार्ट टू में जो रहेगा अर्थमेटिक 30 नंबर का, मतलब सब सब जो रहेगा वो 30-30 नंबर का रहेगा, 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 नंबर रहेंगे, रीजनिंग जनरल साइंस जनरल अवेयरनेस और टोटल करके 120 क्वेश्चंस और 120 नंबर आपके। ओके, और टाइम मिलेगा 90 मिनट। अब ये टाइम मिलेगा, टाइम मिलने के बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर जो माइनस मार्किंग रहेगी क्या रहेगी, माइनस मार्किंग जो रहेगी वो 0.25 रहेगी, क्या रहेगी 0.25 रहेगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर 0.25 रहेगी, ठीक है। ओके, ये माइनस मार्किंग वहाँ पर है तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो माइनस मार्किंग पहले से चली आ रही है वही उसमें आ रही है। तो हर क्वेश्चन को अब देखिए इतने सारे एग्जाम हो गए हैं, RRB ग्रुप डी हो गया है, RRB RPF हो गया है, ठीक है, RRB ALP हो गया है, RPF चल ही रहा है, ठीक है। तो सारे फ्रेंड्स आई थिंक आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी, ये जितने भी अब एग्जाम आने वाले हैं वो सब आप, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अगर दे रहे होंगे सब आप क्लियर कर ही लोगे, ठीक है, क्योंकि उसमें अगर आपका और प्रैक्टिस होगी तो अच्छे से आप एग्जाम दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी,
अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स कमेंट करके मुझे बताइएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, वीडियो को जितना से उतना शेयर करने की कोशिश करिएगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो देखिए अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब करने का बेल का आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे क्या जितनी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो तुरंत मिल जाए, वीडियोज़ को आप देख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए।